यार ऐसा भाई सेमेस्टर रिजल्ट आने वाला है। हाँ तो क्या हो गया, तुझे क्यों टेंशन हो रही है? टेंशन तो मुझे होनी चाहिए। सिर्फ तुझे क्यों होनी चाहिए, हम दोनों ने साथ में क्लासेस बंक मारी है यार। अरे तू तो शर्मा जी का लड़का है यार, तुझे कैसा टेंशन भाई? ऐसी बेहुदा बात के लिए ना मैं तेरे मुंह पे खट्टी डकार मार सकता हूँ, और इससे पहले कि मैं खट्टी डकार मारूं निकल जाए यहाँ से। भैया मुझे माफ करो। अरे हाँ हूँ मैं शर्मा जी का लड़का यार, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई इसमें बताओ मुझे। और अगर ऐसी बात होती ना कि शर्मा जी के लड़के हर चीज में आगे होते तो देश के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना वो सारे के सारे शर्मा होते। विराट शर्मा, सचिन शर्मा, लता शर्मा, अरे यहाँ तक कि हमारा पीएम भी ना नरेंद्र शर्मा होता। और मैं इतने बड़े बड़े लोगों का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरे को ही देख लो ना, 11वीं से लेकर 12वीं तक मैथ्स के टोटल 6 एग्जाम हुए, उसमें से 5 में तो मैं फेल ही था, 6ठे में पास हूँ वो भी सीधा बोर्ड के एग्जाम था सीधा। अब आप ही बता दो ना, जो बंदा 6 में से 5 एग्जाम में फेल हो रहा वो किस बात का शर्मा जी का लड़का है? अरे डिसअपॉइंटमेंट की तो हद तब हो गई थी घर वालों की जब वो आके मुझे ही ना किसी और शर्मा जी के लड़के का एग्जाम्पल दे रहे थे। फिर तो मैंने उनको याद रहा कि हम भी तो शर्मा ही है, फिर तो और कुटाई हुई है मेरी कि वो 90% ला रहे तुम फेलियर हो, बिरादरी में नाक कटवा दी हमारी। अरे स्टैम्प पेपर पर लिखवा के ले लो मुझसे, जब से इंटरनेट पर ट्रेंड चल रहा है ना शर्मा जी का लड़का शर्मा जी का लड़का, सारे शर्माओं के लड़के ना प्रेशर में आ गए। बताओ मतलब बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठता नहीं है, गली मोहल्ले में शोर पहले मच जाता है लड़का टॉप कर देगा। और जितने भी बेचारे पढ़ पुढ़ के टॉप करते हैं ना, मुझे तो उनके लिए दुख होता है कि शायद कहीं ये पीयर प्रेशर में आके ना टॉप कर गया हो। मतलब ऐसा गदर मचा रखा है लोगों ने ना, कहीं भी चले जाओ पब्लिक गैदरिंग हो, गेट टुगेदर हो, फैमिली फंक्शन में हो, ऐसा लगता है जैसे ना आइसक्रीम की टेबल के नीचे से ऐसे चुपके से आएंगे, धप्पा करेंगे और बोलेंगे बेटा कितने परसेंट आए आगे, येल ये ऑक्सफर्ड, नाक की तरह बैठे रहते हैं सारे दिन हमारे सर पर। और वहाँ पे ना पानी पानी हो जाता है बंदा, क्योंकि अपने तो नंबर आए नहीं होते, घर जाओ तो मम्मी पापा के टॉन्ट अलग सुनने पड़ते हैं, देखो उसका बेटा ये ऐसा है, हमारा बेटा ऐसे गणित में फेल हो गया 5 बार, बताओ क्या करें। और ये जितने शर्मा होते हैं ना जिनके बच्चे टॉपर होते हैं, भैया अपनी कौम के सबसे बड़े दुश्मन यही होते हैं, कहीं भी जाओ मुँह फाड़ फाड़ के पूछने लग जाते हैं बेटा इंजीनियरिंग क्यों ली, कितने परसेंट आए। इनका मकसद ना ये जानने नहीं होता कि हमारे कितने परसेंट आए, इनका मकसद होता है ये शो ऑफ करना कि इनके बच्चे कितने परसेंट आए। और उसके बाद तो आपको सबको पता है घर पे जाके क्या होता है, हमारी ठुकम ठुकाई फिर से शुरू जाती है। अरे भैया कहाँ जाएं हम अपनी पिद्दा सा मुंह लेके, मतलब पहले तो हम एवरेज स्टूडेंट, उसके बाद हम जनरल कैटेगरी, ऊपर से शर्मा होने का बोझ अलग है। अरे 2 साल हो गए भाई कॉलेज को, कभी भी मेरी अटेंडेंस ना 30% से ऊपर नहीं गई है, लेक्चर को भी पता है कि भैंस पानी में जा तो चुकी है, बट वो अभी भी एक्सपेक्ट करता है कि भैंस ना सुबह भर के बाहर निकलेगी, क्यों? क्योंकि भैंस का सरनेम ना शर्मा है। कॉलेज जाओ तो दिक्कत है कि वाह बच्चा कॉलेज पढ़ने आया, और अगर कॉलेज ना जाओ अरे शर्मा जी का लड़का है घर पे बैठ के पढ़ रहा होगा। अरे अब कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, मर जाऊँ, पर मर भी नहीं सकता क्योंकि ये सोसाइटी वाले फिर क्या बोलेंगे, अरे बड़ा बेवकूफ लड़का था शर्मा जी का था, कुछ भी कर लेता जिंदगी में, मरने की क्या जरूरत थी। अब मैं एक बात बताऊं, आने वाला टाइम तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे शर्माओं के घर जब बच्चे पैदा हुआ करेंगे ना तो सरनेम तो बाद में लगेगा उनका, उनके नाम से पहले ना इंजीनियर और डॉक्टर पहले लगने लग जाएगा। और अब तो ना इतनी जिंदगी झंड हो गई कि कभी कभी लगता है वो गाना सुनता हूँ ना जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा लगता है हम शर्माओं पे मनाए। तो हाथ जोड़ के शर्मा भाइयों और बहनों से विनती है कि इस वीडियो को इतना 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 शेयर करें कि ये पीएम तक पहुंचे और कोई बिल पास हो शर्माओं का बचाने का। और अगर आप किसी शर्मा को जानते हैं ना जो मेरी तरह दुखियार हो, उसको प्लीज इस कॉमेंट सेक्शन में टैग जरूर कर दें।